वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आयुष चांदोलिया, होप यू आर डूइंग गुड। सो अगर आप एक वॉलीबॉल प्लेयर है या फिर वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके ऊपर वॉलीबॉल से रिलेटेड ट्रेनिंग और टिप्स वगैरह आती रहेगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जंप की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, तो वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जंप की, पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमें जंप के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए होती है वो होता है स्पीड और पावर। तो ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपकी स्पीड भी ट्रेन होगी और आपका पावर भी ट्रेन होगा और साथ में आपका जो एंड्योरेंस है वो भी होगा। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपके जो स्पाइकिंग फुटवर्क है वो एकदम सही होने चाहिए। अगर आपने मेरी स्पाइकिंग फुटवर्क के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो और उसके बाद इस एक्सरसाइज के ऊपर आ सकते हो। तो ये अटैक जंप इसलिए इसके अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जंप हमारे लिए है वो अटैक जंप ही है। तो जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो जाएगी और इसके अंदर आपका एंड्योरेंस भी आ जाएगा। सो ये है हमारी आज की एक्सरसाइज। इसमें आपको कंटिन्यूसली अटैक जंप या अप्रोच जंप करते जाना है, जितनी स्पीड से हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 7 जंप आपको कंटिन्यूसली करने ही है। तो अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये जंप तो हम गेम में भी करते हैं तो यहाँ पे करने से क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये उतना ही ज़्यादा डिफरेंट है जितना आप रनिंग और स्प्रिंट को मान सकते हो। इसके अंदर आप पूरी स्पीड के साथ, पूरे एफर्ट के साथ है वो जंप कर रहे हो, जो कि आप गेम के अंदर नहीं कर पाते हो, क्योंकि गेम में आपको बॉल को हिट करना होता है तो आप उसी हिसाब से जंप लेते हो, तो पूरे मैक्स एफर्ट के साथ आप जंप नहीं ले पाते हो। इस एक्सरसाइज से मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, मेरी टेक्निक इम्प्रूव हुई है, आपकी टेक्निक भी इम्प्रूव होगी इससे। अगर आप इसे रेगुलरली करोगे, आप अगर स्टेप्स सीख रहे हो तो आप जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा स्टेप्स की प्रैक्टिस कर पाओगे इससे, तो आपकी टेक्निक भी इम्प्रूव होगी और आपके स्टेप्स भी, और साथ में गेम भी इम्प्रूव होगा। इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें। आप 6 जंप के 3 सेट कर सकते हो आराम से, और अगर सिर्फ यही एक्सरसाइज करो तो ज़्यादा सेट भी लगा सकते हो। और ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, तो इसके अगर आप ज़्यादा सेट करोगे तो आपके एंड्योरेंस में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको अटैक करने के लिए ही एंड्योरेंस चाहिए होता है गेम के अंदर। तो आप इसके अगर ज़्यादा सेट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो अगर आप यही एक एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये कम से कम इसके 6 से 7 सेट करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।